नमस्कार। देश की बात में आज हम बात करेंगे भारत रत्न के देने की होड़ में राजनीतिक लाभ और राजनीतिक गुणागणित पर चर्चा। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी भारत में भारत रत्न को देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस द्वारा बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से उन सभी लोगों को जिनको देने से पार्टी को लाभ पहुंचे, वोट मिले, जीत हो, इसके लिए इन्होंने बिहार में माननीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ राम मंदिर के आंदोलन में अपने को खपा देने वाले श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी भारत रत्न दिया जाना है। चौधरी चरण सिंह जी को भी भारत रत्न देने का वादा किया है। पीवी नरसिम्हा राव भी भारत रत्न पाएंगे, ऐसा अनाउंसमेंट नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। इस तरह से देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है, और इस भारत रत्न देने के पीछे कहीं ना कहीं जातीय, धार्मिक, वोट बैंक की राजनीति और समीकरण भी है। अब देश के युवा तुर्क कहे जाने वाले जननायक माननीय चंद्रशेखर जी को भी भारत रत्न देने की मांग उठने लगी है। जैसा कि आप जानते हैं, बलिया के छोटे से किसान परिवार में जन्मे चंद्रशेखर जी सोशलिस्ट पार्टी से, छात्र आंदोलन से ही जुड़े रहे, सोशलिस्ट पार्टी की राजनीति करते थे। वहां से वो कांग्रेस पार्टी में गए और देश को एक युवा तुर्क मिला। कुछ वर्ष रहने के बाद उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और कांग्रेस के खिलाफ पहली जो महागठबंधन की पार्टी बनी, जिसका नाम जनता पार्टी था, उस जनता पार्टी के ये संयोजक थे, अध्यक्ष थे, और जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और कांग्रेस को हराया, जिसमें गैर कांग्रेसी पहले प्रधानमंत्री मुरारजी देसाई बने, चौधरी चरण सिंह बने, इंद्र कुमार गुजराल, वीपी सिंह और फिर चंद्रशेखर जी को भी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला और राष्ट्र में उनके काम करने के तरीके और उनकी नीतियों से बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ पाया। चंद्रशेखर जी का कार्यकाल बहुत छोटा था, लेकिन छोटे से कार्यकाल में उन्होंने बहुत सारे देश के जो ज्वलनशील मुद्दे थे, जो समस्याएं थी, उसका उन्होंने निराकरण किया। और जितने दिन भी कांग्रेस के समर्थन से देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे, उतने दिन भारत को ईमानदारी से चलाने का प्रयास किया। नमस्कार। वंदे मातरम।